बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी सी चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स का हम टॉपिक नंबर लिपिड्स देखते हैं। सेकंड टॉपिक है, इसमें लिपिड्स जो होते हैं डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं इनसोलुबल इन वाटर होते हैं, और सोलुबल जो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जो कि ईथर अल्कोहल क्लोरोफॉर्म एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ईथर अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में, उन्हें हम किसका लिपिड्स का नाम देते हैं। इनमें हाई पोर्शन ऑफ, अगर केमिकली देखें तो इनमें हाई पोर्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है, पोर्शन जो होता है वो कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन जो होता है कम होता है, और देयरफॉर लिपिड जो होते हैं हाई एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। किसकी नस्बत से? कार्बोहाइड्रेट की नस्बत से। अगर कार्बोहाइड्रेट की नस्बत से ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इनके एग्जांपल देखें तो फैट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है, वैक्सीज है। ये लिपिड्स जो होते हैं नॉट ट्रू पॉलीमर, मतलब ये इनमें जो पॉलीमर की स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, ये किसी के मोनोमर नहीं होते। इनमें फैटी एसिड की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन होता है, फॉस्फोरस होता है, और नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं इनकी, मतलब सम मिकदार उनकी भी पाई जाती है। अगर हम फैट्स को देखें तो ये बॉडी मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं, मतलब बॉडी को बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये भी बॉडी में इस्तेमाल होते हैं, हार्मोन वगैरह को फॉर्मल करता है, और फॉस्फोलिपिड जो होता है ये भी बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर काम करता है, और वैक्सीन जो होता है ये बाहर वाली एक्सोस्केलेटन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम पहली टाइप को देखें तो फैट्स हैं, फैट्स जो होता है एस्टर ऑफ फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल होता है, मतलब इसमें फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल पाए जाते हैं। इनमें जो केमिकली अगर हम देखें तो इसमें ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आइटम पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ऑक्सीजन आइटम की जो पोर्शन होता है वो समाल होता है कार्बोहाइड्रेट्स की नस्बत से। इनमें सम पोर्शन जो होता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इनमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं जो बॉन्डेड होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप इनमें पाए जाते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? COOH जो होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और इनमें फैटी एसिड कंटेन होते हैं, साथ इनमें ग्लेस्ट्रोल भी होता है। ग्लेस्ट्रोल जो होता है सेम होता है, और फैटी एसिड जो होते हैं ये तीन पोर्शन फैटी एसिड होता है, और 1% जो होता है ग्लेस्ट्रोल होता है। अगर हम इनको फार्मूले के लिहाज से देखें तो ग्लेस्ट्रोल जो होता है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, मतलब ये अटैच होते हैं किसके साथ? फैटी एसिड के साथ, और वाटर जो होता है एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और मतलब इनमें मतलब अगर हम ट्राई ग्लेस्ट्रोल बना रहे हों तो इसमें तीन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और इनके दरमियान जो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो ऑक्सीजन के साथ जो ये लिंक करेंगे दो कार्बन बॉन्ड तो वो एस्टर बॉन्ड बनाएगा। एस्टर बॉन्ड जो होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इस तरह लिपिड में एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। फैट्स जो होते हैं ये टू टाइप्स ऑफ फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड जो होते हैं उनमें सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं, वो अप टू 6 होते हैं। इनमें जो सैचुरेटेड जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर अगर हम देखें ये सॉलिड होते हैं या सख्त होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं लिक्विड फैट्स होते हैं, इनको हम ऑयल का नाम भी देते हैं। जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये प्लांट फैट्स होते हैं, और सैचुरेटेड जो होते हैं एनिमल फैट्स होते हैं। एनिमल फैट्स में बुटेरिक एसिड बटर वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं, और प्लांट्स में वेजिटेबल ऑयल ऑलिव ऑयल वगैरह जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम देखें कि अनसैचुरेटेड को अगर हम सैचुरेटेड कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करके मतलब डबल बॉन्ड्स को ख़त्म करके सिंगल बॉन्ड करके सैचुरेटेड फॉर्म ले आते हैं, जैसे कि वेजिटेबल घी जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं। दूसरा जो है वो फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड जो होता है मॉलिक्यूल जो होते हैं सिमिलर फैट के होते हैं, फैट की तरह होते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर में हम अगर देखें तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड में
ट्राइग्लिसराइड में ये वहाँ पर अगर हम देखें तो फास्फोरस का ग्रुप ऐड हो जाता है और इसके साथ दो ऑक्सीजन बॉन्ड लगते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन या फास्फोरस कोई भी ऐड हो सकता है। और फास्फोलिपिड में टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं और वन जो होता है उसमें फास्फोरस होता है। सेम इसमें ग्लिसरॉल की तादाद होती है, बाकी कोई चेंजेज नहीं होते। थर्ड जो होता है, थर्ड चेंज में डिफरेंस आता है, बाकी सिमिलर टू फैट्स होते हैं। अगर हम इनको पोर्शन के देखें तो फास्फोलिपिड में टू टाइप्स ऑफ पोर्शन है, मतलब एक हेड होता है और एक टेल होता है। ये जनरल स्ट्रक्चर है। हेड जो होता है उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब वाटर लविंग होते हैं, और ये वाटर लविंग होते हैं। और ये जो हेड मॉलिक्यूल जो होता है ये होता है। दूसरा जो होता है ये टेल जो होता है टू फैटी एसिड पोर्शन प्रोमिसमिल होता है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर रिपेलिंग होता है, ये वाटर को रिपेल करते हैं। और ये सॉल्युबल होते हैं एस्टर वगैरह में, मतलब ये नॉन पोलर के लिए सॉल्युबल होता है। अगर हम देखें फास्फोलिपिड कहाँ पे पाया जाता है, फास्फोलिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। फास्फोलिपिड जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर, मतलब अगर हम पढ़ें तो सेल मेम्ब्रेन को लिपिड बायलेयर होते हैं। तो ये वाली जो होते हैं, मतलब हेड जो होते हैं उनके बाहर की तरफ होते हैं और टेल जो होते हैं अंदर की तरफ होते हैं। दोनों टेल अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए हेड जो होते हैं वो मतलब हाइड्रोफिलिक होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो होती है वो परमिएबल होती है, वो परमिएबल होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटर होने देती है, कुछ को नहीं इंटर होने देती। तो ये सारी स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो फास्फोलिपिड की ये इस वाली स्ट्रक्चर की वजह से होती है, मतलब वाटर रिपेलिंग और वाटर लविंग स्ट्रक्चर जो होती है, इस वजह से फास्फोलिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में को परमिएबल बनाता है। थर्ड जो है स्टीराइड है। स्टीराइड जो होता है ये नेचुरली अक्सर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें नो ना ही कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ना ही फैटी एसिड होते हैं। इसमें ये चार रिंग, मतलब चार फ्यूज कार्बन रिंग पर मुश्तमिल होते हैं। तीन जो होते हैं पैरानोज होते हैं, मतलब सिक्स कॉर्नर रिंग होते हैं। एक जो होता है वो फ्यूरानोज होता है, फाइव कार्बन रिंग होते हैं। और इसके साथ ये अगर हम इनके कार्बन को काउंट करें तो इनमें 17 कार्बन तक पाए जाते हैं। इनमें अगर स्टीराइड में देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कॉमन एग्जांपल है। बायोलॉजिकली ये एक्टिव स्टीराइड है और ये हार्मोन सेक्स हार्मोन को रेगुलेट करता है। अगर एनिमल सेल में पाया जाता है और साथ ही ये डाइजेशन के अमल में, मतलब उसको फ्लूड को, मतलब फ्लूडिटी ऑफ सेल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन का जो अमल होता है वो बेहतर होता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर मिकदार बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार होती है एक नॉर्मल लेवल तक यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये बॉडी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ये बॉडी में डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जो सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती हैं उनमें ये स्टोर होने लग जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। और इस तरह हार्ट जो होता है वो हार्ट स्ट्रोक की तरफ जाके हमें हार्ट अटैक बेयर करना पड़ सकता है। और स्टीराइड जो होते हैं ये विटामिन डी को भी स्टोर करते हैं, उसके मेक करते हैं। इस तरह ये स्टीराइड जो होते हैं वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। फोर्थ जो है वैक्सीज है। वैक्सीज जो होते हैं मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एस्टर ऑफ फैटी एसिड चेन्स होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन चेन पर मुश्तमिल होते हैं, सच एज क्यूटिन वगैरह जो होते हैं। वैक्सीज जो होते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग करते हैं किसमें, फ्रूट्स और लीव्स में, मतलब लीव्स और फ्रूट्स की प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो वैक्सीज बनाते हैं। और इसके अलावा ये बॉडी, मतलब लीव्स वगैरह को वाटर, मतलब लॉस करने से बचाता है। और इस तरह वो लीव्स वगैरह जो होते हैं अब्रेसिव डैमेज की तरफ नहीं जाते। ज़ेरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं, उनमें जो ये वैक्सीज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये उनको ट्रांसपायरेशन के अमल से में, मतलब पानी के ज़्यादा बुखारात बनने के अमल से बचाते हैं। इस तरह वो डेजर्ट वगैरह में सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा है, अगर हम इनके फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ लिपिड्स में देखें तो मेन जो फंक्शन है लिपिड्स का वो स्टोरेज कंपाउंड है। ये बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर काम करते हैं, इसमें सी एच मतलब बॉन्ड्स देखें तो वो
ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत कम होती है, इसलिए ये बॉडी में ज़्यादा स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं। और ये प्रोटेक्शन मतलब लीव्स वगैरह को क्यूटिन वगैरह की शक्ल में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हीट इंसुलेटर मतलब फैट जो होते हैं एनिमल बॉडी के प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जिससे उनको हीट से बचाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सर्दियों में मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी कम लगती है। क्यों कम लगती है? क्योंकि उनके बॉडी में फैट्स की जो मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनको सर्दी कम लगती है। ये रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं, मतलब ये हार्मोन्स वगैरह को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है वो सेक्स हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। फिर सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हम देखें तो लिपिड जो होते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये डबल अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करता है और बाद में वो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लिपिड जो होते हैं ये प्रोड्यूस कलर और स्मेल, कलर प्रोड्यूस करने के लिए लिपिड्स की एक टाइप है क्रिएटिनाइड, जो कि जेंथोफिल्स क्लोरोप्लास्ट के साथ मिल के फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स वगैरह को मतलब ब्यूटीफुल कलर आते हैं और इस तरह वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे बॉडी को और इस तरह वो स्टोर करते हैं। और दूसरा जो होता है स्मेल जो होता है टर्पिनाइड जो होता है लिपिड्स की एक टाइप है और वो स्मेल क्रिएट करते हैं प्रोड्यूस करती है बॉडी में और इस तरह जो बॉडी होती है मतलब एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स से प्रोटेक्ट वगैरह करती है। इस तरह लिपिड जो होते हैं बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए अहम है। इस तरह ये टॉपिक जो होता है आज का कंप्लीट होता है।